शम्मी कपूर और बाकी फिल्म स्टार्स के साथ उनके प्यार का सच। मुमताज ने खुद माना कि उनके और शम्मी के बीच प्रेम संबंध थे। कुछ और एक्टर्स के साथ भी उनका आकर्षण था। जब वो 18 साल की थीं, तब उन्हें शम्मी कपूर से प्यार हो गया था। 1968 में फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान ये सब हो रहा था, तब शम्मी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वो फिल्में करना छोड़ दें और उनके साथ घर बसा लें, लेकिन मुमताज को फिल्में छोड़ना मंजूर नहीं था। ये उनकी ज़रूरत, मजबूरी, सारा कुछ था। शम्मी के अलावा मुमताज को जीतेन से भी प्यार था। डायरेक्टर यश चोपड़ा से भी उनका अफेयर बताया जाता है। जब यशराज नए नए डायरेक्टर बने थे, तो अपनी फिल्म जो 1969 में आई थी, आदमी और इंसान, इसमें उन्होंने मुमताज को कास्ट किया था। दोनों के प्रेम के बहुत चर्चे थे और ये इतना ज़्यादा था कि जब यशराज पामेला से शादी करने जा रहे थे, तो पामेला ने यशराज के दोस्त रोमेश से पूछा था कि उस हीरोइन, वो जो मुमताज है, उसका और यश के बीच में क्या चल रहा है। रोमेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू देते हुए पामेला ने कहा कि रोमेश ने ऐसा कहा ज़रूर था, लेकिन ये सच नहीं था। मुमताज़ का कोई भी अफेयर मुकाम तक नहीं पहुंचा। इसकी वजह ये थी कि मुमताज़ फिल्मों से पैसा कमाने और अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में बहुत डूबी हुई थी। 1967 में आई फिल्म बूंद जो बन गए मोती बनने के दौरान उनकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद परिवार का बोझ उन्हीं पर आ गया। वो सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक काम करती थी। वो खुद याद करते हुए बताती हैं, मैं लकी थी कि पुरुष को स्टार्स मुझसे शादी करना चाहते थे। हाँ, एक आकर्षण था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ी। मेरी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि अफेयर्स के लिए टाइम नहीं था। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी बनी होगी, प्लीज़ उसे बजा दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो डालें आपको अपडेट मिल जाए। मैं विशाल, थैंक यू।